हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज हम ट्रैपेजॉइडल ड्रेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो कोई टिपिकल बात नहीं करेंगे कि हम लोगों को ड्रेन कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज है हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि हमको ड्रेन बनाते वक्त क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियो हमने बनाई थी और आप लोगों ने देखी भी है, और आज हम मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए जो हम गलतियाँ ट्रैपेजॉइडल ड्रेन बनाने में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आपको सारी डिटेल पता चले। ये देखिए, आपको बताता हूँ मैं, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा क्रैक आया है, ठीक है, यहाँ पर क्रैक आया है। और जब हम लोग आगे चलेंगे और देखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर शोल्डर दिख रहा है, ये शोल्डर हमको मैच दिख रहा है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये इसको थोड़ा सा ग्राइंड किया है हम लोगों ने, क्यों, क्योंकि जब हम लोग काम करते थे तो बीच में यहाँ फिलर बोर्ड डाला हुआ है काला, जो कि आपको यहाँ विजिबल दिखेगा, ये डाला है हमने। इसको निकाल के हम कोल्ड बिटुमेन डालते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको काम करते वक्त है ना, जब हम लोग इसको इस बैग में जो कंक्रीट करते हैं, ये जब करते वक्त में क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, ये बोर्ड उड़ जाता है। कंक्रीट डब डालते हैं यहाँ से तो फोर से उड़ जाता है और ये ऊंचा हो जाता है। जब ये ऊंचा हो जाता है तो हम लोगों को इसका लेवल में देखता नहीं है मेसन या जो भी गलती रहती है उसको चेक नहीं करते, और ये अप डाउन हो जाता है। कभी कभी ये ऊंचा हो जाता है, कभी कभी ये डाउन हो जाता है, कभी ये ऊंचा होता है तो कभी ये डाउन हो जाता है, तो दोनों केस होते हैं उस केस में। तो फिर उस केस में क्या होता है हमारा, अगर ये ऊंचा हो गया तो ये ऊंचा हो जाने के बाद इधर में जो भी पानी आता है इसके अंदर से नीचे चला जाता है, और इसके नीचे की मिट्टी अगर सटल हो गई या बह के अगर जो हमारे पाइप से बाहर निकल गई या कुछ भी दिक्कत आ गई, कहीं से भी कुछ भी होता है, क्योंकि कभी मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे बैक फिलिंग करा के फिर कटिंग करा के हम लोगों ने मान लीजिए ड्रेन बनाई होगी, तो मान लीजिए स्लोप में उतना कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली बात है तो हमको स्लोप पूरा कॉम्पैक्ट करना चाहिए। हमने एक वीडियो भी डाला था, एक रोलर आता है स्लोप में करने के लिए, रोलिंग करने के लिए, या तो पहले हमको जब ड्रेन बनानी होती तो अगर वहाँ पे हम लोग फिलिंग करके ड्रेन बना रहे तो लेयर वाइज पूरा रोलिंग करा के ऊपर लेके आइएगा और उसी के बाद ही आप इस ड्रेन को काटिएगा। उसमें कोई गलती नहीं करना चाहिए कि जल्दबाजी में भर दिया, उसमें गड्ढा काट लिया, फिर स्लोप को रोल कर लिया, तो बहुत ही धोखादायक होता है। इसमें पूरा ड्रेन सटल हो जाता है, पीछे की मिट्टी सटल हो जाती है और फिर ड्रेन के ऐसी की तैसी हो जाती है। मैंने बहुत बार देखा है कि ड्रेन ऐसी लिफ्ट भी हो जाता है। तो हमको सबसे पहला जहाँ भी काम करेंगे कॉम्पैक्टेड सरफेस के ऊपर ही हम ड्रेन की कटिंग करेंगे। तो हम थोड़ा सा ऑफिस टॉपिक से बाहर जा रहे थे कि ये जो फिलर बोर्ड है इसको उठने मत दीजिएगा, इसको बांध के रखिएगा नीचे में, या जब भी उसको लेवल करेंगे तो प्रॉपर लेवल को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो इसको ग्राइंड करना पड़ सकता है आपको बाद में। दूसरी बात, जब ये शोल्डर करेंगे हम लोग तो अब इसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करके ही करिएगा, तो ये भी सेटल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और जब भी आप लोग ड्रेन बना ले उसके बाद इसको काट के इसके अंदर बिटुमिन कोटिंग जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने बारिश के वेट करके इसको छोड़ दिया तो पूरा पानी इसके अंदर से चला जाएगा, जो कि बहुत नुकसानदेह है। और इसको कटिंग करा के आप उसको निकाल के कोल्ड बिटुमिन भर दीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये देखिए आप, ये सब उसी के है कि ख़राब माल यूज़ किया है। जब भी आपका मटेरियल ख़राब हो जाएगा या आप कभी कुछ थिकनेस का इशू होगा, कोई थिकनेस में कमी होगी, तो उसकी इसमें ऐसा बाद में उसका डैमेज हो जाता है, वो मत करिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको लेके चलता हूँ सेटलमेंट की तरफ, जहाँ की थोड़ा सा सेटल हो जाता है, कैविटी बन जाती है और वो ड्रेन में वो अपलिफ्ट करता है। ये सारी चीज़ें बैकफिलिंग के रिगार्डिंग है, जो कि हम लोग काम करते वक्त ये चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुली ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद जो भी हम लोग प्रेशर रिलीव वाल लगाते हैं उसके पीछे में आपको ड्राइंग में जो भी दिया होता है, गिट्टी डालना है, एग्रीगेट डालना है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती है, वो एज़ पर साइट में वैसे ही होना चाहिए जैसे कि ड्राइंग में दिया हुआ था, उसको मिस नहीं करना चाहिए।
उसके बाद चलते हैं। देखिए जो भी ज्वाइंट हम बनाते हैं वो प्रॉपरली सीधी लाइन में ही होना चाहिए। और मान लीजिए नीचे राफ्ट में यहाँ ज्वाइंट है और उसके वॉल में कहीं और ज्वाइंट दिया है तो फिर ऊपर में क्रैक जाने की ज़्यादा संभावना होती है। उसको वैसी गलती मत करिएगा आप। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ड्रेन में सेटलमेंट, ड्रेन के पीछे बैक फिलिंग कैसे सेटल हो गया है और उसके वजह से क्या परेशानी आती है वो हम चेक करते हैं। देखिए इस तरफ में देखिए बाद में गड्ढा, अगर पे यहाँ पे इशू क्या था कि हम लोग यहाँ पे ये हल्का गड्ढा दिखेगा, यहाँ आपको इतना विजिबल होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से केबल का लाइन गया है। जब हम ड्रेन बना चुके थे उसके बाद यहाँ पे 600-700 हम गड्ढा मारा था। ये गलती कभी मत करना कि शोल्डर हो गया, सब हो गया, फिर यहाँ गड्ढा करें, क्योंकि इधर की मिट्टी काटने के बाद इधर का ऑब्वियसली पीछे में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ये गैप हो गया है, ये दिख रहा है आपको, ये गैप हो गया है, ये पीछे के साइड में ये गड्ढा मारा था, इसके वजह से सेटल हो गया है और ये गैप हो गया है। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा कि ड्रेन एक बार बनने के बाद उसके नज़दीक में कोई भी आप एक्सकेवेशन, डीप एक्सकेवेशन मत करिएगा। ऊपर 100-200 mm में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सेटलमेंट हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिखना है। इसमें आपके पास रेमेडी यही है कि अगर ज़्यादा सेटल हो गया तो आपको तोड़ के निकाल दो, दोबारा कर लो, यही है इसका रेमेडी। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए गैप हो गया है, ये दिख रहे हैं आप, ये जब मसाला मैच किया, ये ट्रांजिशन है, ये RCC है पूरा। इसमें देखिए ये वाल नीचे बैठने की वजह से जो गैप आया है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, गैप आया है। और ये देखिए यहाँ कंक्रीट डाला हुआ है, ये एक्चुअली 400 mm की वाल है। उसके बाद देखिए यहाँ इधर देखिए या कैविटी, जब बैक फिलिंग करेंगे तो प्रॉपरली उसके अंदर सैंड भरिए, प्रॉपरली पानी डालिए और उसके बाद ही उसको आप बैक फिलिंग करिए। पूरा 10-15-20 meters में पूरा डैमेज हो गया। तो जब भी आप काम करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप कंक्रीट कितना भी अच्छा डालो उससे कोई मीन्स उससे कोई उसका ये नहीं है कि आपकी ड्रेन अच्छी होगी। आप कंक्रीट अच्छा डालो लेकिन उसके पहले जो नीचे का बेड है उसको प्रॉपरली आप कॉम्पैक्ट कर लो और उसके अगर बगल के जो सारी चीज़ें हैं मैंने बोला डीप एक्सकेवेशन, ये सब मत करिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।